अभी जो जाना जो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। सर अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। इसका मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इससे पहले आज नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनेंगे या कुछ कोई और जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इस पर नीतीश कुमार सीधे तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी मीटिंग है जिसे प्रत्येक वर्ष किया जाता है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, और उसी कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का ये पूरा बयान सुनिए। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे। तो आपने सुना नीतीश कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक छोटी सी बैठक है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा या खुद बनेंगे, इस सवाल पर वो बचते हुए नजर आ रहे हैं और जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। आपको बता दें कि लगातार 3-4 दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद कुछ दिनों से लगातार मीडिया के सुर्खियों में यह है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा देने के बाद शायद नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर 2-3 चेहरे और नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब मीडिया में ये छाया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तब जाकर उमेश कुशवाहा और वर्तमान में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दिया कि ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सिर्फ मीडिया का सीगुफा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही हैं। साथ ही साथ ललन सिंह ने भी वीडियो एक क्लिप के जरिए ये जानकारी दी थी कि मैंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जो मीडिया में चलाया जा रहा है वो बेबुनियाद है और झूठा है। आपको बता दें कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जब से बने हैं ललन सिंह, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड का जो कार्य है वो काफी खराब दिख रहा है, जिसके वजह से 29 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें अहम फैसला लिया जाएगा। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शायद ललन सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो इस बात पे वो कन्नी काटते दिखे और जवाब देना जरूरी नहीं समझा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये प्रति वर्ष जो है ये बैठक होती है और इस बैठक में हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।